Hi friends, welcome to another video on Automate and Chill. Today we will discuss everything you need to know about program at ASU. इसमें मैं आज आपको example भी दिखाऊंगा. Example में आज एक dog dish में program at ASU में एक site बनाएंगे और उससे पहले मैं आपको detail में बताऊंगा कि what is program at ASU, how you can do it, what are the headers, modifiers and everything you need to know about program at ASU. So let's start with the definition. What is programmatic SEO? Programmatic SEO is simply an organic marketing strategy जिसमें हम hundreds और thousands of pages बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे to rank them on search engine. ठीक है, तो अब जो वो bulk landing pages होते हैं उनमें क्या क्या आपको parts, क्या क्या आपको चाहिए, वो सब हम इसमें discuss करने वाले हैं. तो जो bulk landing pages होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए जो हम programmatic SEO के लिए बनाते हैं, उसमें आपको head terms चाहिए होते हैं, modifiers, data set, और उसके बाद उनको यूज़ करके पेज टेम्पलेट बनता है. तो अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि हेड टर्म्स, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, डेटा सेट क्या होते हैं और पेज टेम्पलेट क्या होता है. ठीक है, तो हेड टर्म्स और मॉडिफायर्स क्या होते हैं? हेड टर्म्स होते हैं आपके मेन सीट टर्म्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी SEO कंपनी है और आप पूरे इंडिया की हर सिटी में उसको रैंक करवाना चाहते हो, तो इसमें आपका जो मेन टर्म होगा इट विल बी बेस्ट SEO कंपनी एंड मॉडिफायर्स विल बी ऑल द सिटीज़ ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है वो होता है कीवर्ड. तो प्रोग्रामेटिक SEO में हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही सीट टर्म्स को ढूंढते हैं और उनके साथ मॉडिफायर्स को ऐड करके एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हैं जिसको हम फिर रैंक करवाते हैं गूगल में. एज अ ब्लॉगर यू नो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक कराना कितना ईजी होता है. और अभी हम ये देखें, इसमें हम ये सब सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में. उसके बाद आपको चाहिए होता है डेटा सेट्स. डेटा सेट्स क्या होते हैं? डेटा सेट्स होता है जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया बेस्ट SEO कंपनी, आपको सीटा मिल गया और चंडीगढ़ आपका जैसे मॉडिफायर है. तो आपको डेटा सेट क्या चाहिए? इंडिया की सारी सिटीज़. तो जो इंडिया की सारी सिटीज़ है इट विल बी द डेटा सेट. ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम लैंडिंग पेजेस बनाते हैं. अब लैंडिंग पेजेस बनाने के दो मेथड हैं, कोड और नो कोड. कोड वाले मेथड पे भी हम नहीं जाएंगे, तो इस वीडियो को हम नो कोड में लेके चलेंगे. नो कोड में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं, कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें डॉग्स निश में कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करें, तो उसके लिए एक फ्री टूल आता है suval.com. तो आपने suval.com पे जाना है और यहाँ पे उस पर्टिकुलर निश का और इंडस्ट्री का जो आपको लगता है कि ये काफ़ी सर्च वाला कीवर्ड होगा या काफ़ी जेनरिक टर्म होगा, उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स में एक कोई भी आप डॉग ब्रीड यहाँ पे डाल लो. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन रिट्रीवर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे सर्च से, हम जो पीपल आर लुकिंग फॉर. फॉर एग्जांपल मिक्स ब्रीड्स ऑफ गोल्डन रिट्रीवर विच इज़ बिगर अ गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर. यहाँ से आपको आइडिया लेना है इस पर्टिकुलर सर्च टर्म, पर्टिकुलर ब्रीड या पर्टिकुलर सीट टर्म के बारे में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं. तो उसके लिए सुअल आपको काफ़ी अच्छा एक टूल है जो आपको हर जगह से ढूंढ के ला के दे देता है. ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई एक टर्म उठानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे उठाता हूँ. अब यहाँ पे टर्म आपको ऐसे पिक करनी है अपनी कॉमन सेंस के साथ जिसको आप उस पर्टिकुलर निश के टर्म के साथ मैच कर सके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गोल्डन रिट्रीवर है वो डॉग की ब्रीड है. ठीक है, तो हमें टर्म ऐसे पिक करनी है जिसको हम रिप्लेस कर सके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ फोर, हाउ, इज़, वाई, इस टाइप के टर्म्स लगा लगा के हम और आइडियाज़ ले सकते हैं. तो डायरेक्ट हम गूगल पे चलते हैं. बेस्ट स्टार फोर गोल्डन रिट्रीवर. ठीक है, तो यहाँ पे गूगल से हमें एग्जांपल मिल रहा है बेस्ट फूड फॉर गोल्डन रिट्रीवर. अब जो फूड है, ठीक है, ये हमारा हेडर है और बेस्ट फूड फॉर दिस इज आर हेडर एंड गोल्डन रिट्रीवर इज आर मेन कीवर्ड जिसको हमें रिप्लेस करना है, जिसका हमें डेटा सेट चाहिए. ठीक है, तो
अब गोल्डन रिट्रीवर के साथ सर्च वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे चेक करें विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एवरीवेयर, तो यहाँ पे हमें 2400 का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या इसकी जो दूसरी ब्रीड्स हैं डॉग की उनके साथ भी कुछ ऐसे सर्च वॉल्यूम है। तो उसके साथ हम यहाँ पे लगाते हैं कोई और डॉग ब्रीड जैसे लैब्राडोर या वी हैव सर्चेस फॉर दिस। तो अब हमें एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मेन टर्म मिल चुका है और हमें इसके लिए अब डेटा सेट चाहिए ब्रीड्स ऑफ डॉग, ठीक है। तो डेटा सेट्स को ढूंढने के तीन चार मेथड्स हैं, तो मैं आपको अभी दो तीन यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। माई बेस्ट वन इज़ kaggle.com/datasets पे आप जाओगे और यहाँ पे आप सिंपली पुट करोगे डॉग्स ब्रीड्स, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये डेटा सेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने की अगर आपका काम का यहाँ पे डेटा सेट है या नहीं, तो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है डॉग ब्रीड्स विद इमेजेस। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्रीड नेम्स आ गए सारे, ठीक है। तो हम इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया डॉग ब्रीड CSV। तो हमें इन सारे CSVs में सारे जो ब्रीड्स हैं इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें ना आप इसको जैसे हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब इस डेटा को आपको थोड़ा सा ना फिल्टर भी करना होता है, ठीक करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने देखा था कि उसने ब्रैकेट्स में काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं ऐसे, तो ये ब्रैकेट्स के साथ जब हम ऐड करेंगे तो कीवर्ड जैसे हम जब हम इसको पैराग्राफ वगैरह में बनाएंगे तो बार बार ब्रैकेट में आएगा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमें यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्रैकेट कंट्रोल एफ करके, तो ब्रैकेट में वो एक ही था, तो डेटा प्रूनिंग हमारे यहाँ पे होगी। अब इसमें आपको अगर बल्क में सब कीवर्ड्स ऐड करना है तो आपको क्या करना है, अगर आप मैक में हो तो आपको कमांड ए से सारे सेलेक्ट करना है और कमांड शिफ्ट एल ऐसे करके, तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे और यहाँ पे ऐसे आप टाइप कर सकते हो पूरी लाइन में। ये सबलाइम का काफ़ी अच्छा फीचर है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ये फ्री एक IDE है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे बेस्ट डॉग फूड फॉर ऐसे। तो अब हमारे पास हर कीवर्ड के साथ हमारा मेन टर्म ऐड हो चुका है। अब हम इसको वैलिडेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई पर्सनली यूज़ कीवर्ड एवरीवेयर बल्क कीवर्ड डेटा टूल। इसमें मैं सारे कीवर्ड्स को डाल दूंगा और गेट आइडियाज़ पे क्लिक करूंगा और इसको फिल्टर करके देखते हैं, सॉर्ट करके देखते हैं बाय सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रेश डोमेन है, अगर आपके पास अथॉरिटी वाला डोमेन है, फिर तो आप सब कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग न्यू साइट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे कीवर्ड्स को पहले टारगेट करें। उसके लिए मैं मिनिमम वॉल्यूम 1 एंड मैक्सिमम वॉल्यूम 100 करके इसको फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 49 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसको वैलिडेट करते हैं गूगल सर्च करके कि हाउ कॉम्पिटिटिव दिस निश इज़, या तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे फर्स्ट एक DA54 वाली साइट मिल गई। ये एक स्मॉल साइट लग रही है मुझे, इनका कंटेंट आप एक बार देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बल्क में पेजेस बनाने हैं हर ब्रीड के लिए। इसको अगर डबल कोट्स में सर्च करेंगे तो हमें 1390 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक और ब्रीड के कीवर्ड के साथ सर्च करके देखते हैं, IDE 1170 सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें इन सब पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना बिकॉज हम लंबी गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1000 तक भी जा सकते हैं और हमारे पास आ जाएंगे टोटल 86 सर्च वॉल्यूम। इसको थोड़ा और अगर हम इंक्रीज़ कर लें 5000, तब भी 86 ही है, 6000।
95, 7096, 10,000 में अगर हमारे पास आ जाएंगे 97, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मिक्स कीवर्ड्स हो जाएंगे। सॉर्ट इसको करते हैं लो टू हाई, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मिक्स कीवर्ड्स आ जाएंगे, लो मीडियम हाई कंपटीशन। तो इससे क्या होगा, जब हम अपनी साइट बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टॉपिकल रेलिवेंसी भी बन जाएगी, टॉपिकल क्लस्टर बन जाएगा। उससे क्या होगा कि लो लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स हाई कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स से इंटरनल लिंक्ड जब होंगे तो शायद उससे SEO में थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, इंटरनल लिंकिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी आपको इसे रैंकिंग में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको CSV को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास 98 कीवर्ड्स की CSV आ गई है, तो इससे हम एक अब न्यू शीट बनाते हैं। ब्रीड्स नेम और इसको सेव कर लेते हैं CSV में, एक्सपोर्ट टू CSV, नेक्स्ट। लॉग ब्रीड्स और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास हेड टर्म्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, हमारे पास डेटा सेट है। अब हमें क्या करना है, पेज टेम्पलेट बनाना है और वो भी विदाउट कोड। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैं ये आपको टेस्ट डोमेन पे इसको बना के दिखाता हूँ। अब हमें पेज टेम्पलेट बनाना है हेड टर्म्स मॉडिफायर्स एंड डेटा सेट को यूज़ करके। तो मैं ये फ्री प्लगइन यूज़ करेंगे हम WP ऑल इम्पोर्ट। दिस प्लगइन ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस ब्लॉग पे, और इसको यूज़ करके हमें पेज टेम्पलेट बनाना है CSV फाइल्स को यूज़ करके। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, उसके बाद आपको न्यू इम्पोर्ट में जाना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और जो भी आपने CSV शीट बनाई थी वो इसमें इम्पोर्ट कर देनी है। ठीक है, अभी आपसे पूछेगा कि आपको क्या बनाना है, पोस्ट बनाना है, पेजेस बनाने हैं, टेक्स्ट बनाने हैं। हमें पोस्ट बनानी है, कंटिन्यू टू स्टेप टू। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटा प्रीव्यू करके दिखा रहा है, हमारे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमने यहाँ पे बेस्ट डॉग फूड हमने कीवर्ड भी यहीं पे डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, इस शीट को दोबारा से लेते हैं और इसमें से हमने ये है हमारा मेन टर्म, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज हमारे पास टर्म यहाँ पे पहले आ गया, हमें तो कीवर्ड अपना अलग से बनाना था ना। अभी हमारे पास यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट है, मैं दोबारा से न्यू इंपोर्ट पे जा रहा हूँ, अपलोड फाइल ब्रीड्स, हमें सिर्फ यहाँ पे ब्रीड नेम चाहिए क्योंकि हेडर हम अपना अलग से लगाएंगे टाइटल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं उसे ड्रैग करना है, ऐसे ड्रैग ड्रॉप करना है, तो इससे हमारे पास अपना जो CSV से ब्रीड है वो यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें टाइटल ऐसे बनाना है, बेस्ट डॉग फूड फॉर ऐसे।
reviews in 2023. 2022 is about to end, तो इसलिए मैं अभी 2023 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. और यहाँ पे हमें टैम्पलेट बनाना है. आर यू सर्चिंग फॉर बेस्ट डॉग ब्रीड्स फॉर इस टाइप से आपको अपना पूरा टेम्पलेट बना लेना है. ठीक है, अभी जो टेम्पलेट है ये आपका क्रिएटिव पार्ट है. इसमें आपको लिमिट अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी आपको FAQs या कुछ भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. और आप यहाँ पे अपना अमेज़ोन का वो भी यूज़ कर सकते हो. AWP प्लगइन जो आता है ना, उसका शॉर्ट कोड होता है. ये कीवर्ड वाला आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे कीवर्ड में आप ये पूरा डाल दो ऐसे. इससे ये होगा कि आपके पास अमेज़ॉन का टेबल भी आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में ना, तो आप इसे एफिलिएट से भी कर सकते हो. अभी मैंने AWP यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो. इसको प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का टेम्पलेट आ रहा है. ओके, ये शॉर्ट कोड को नहीं यूज़ करने दे रहे हैं यहाँ पे. इसके लिए हम कोई डिफरेंट सॉल्यूशन देख लेंगे इसको यूज़ करने के लिए, बट यहाँ पे हमारा कंटेंट इस टाइप से आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म में एक अपना टेम्पलेट बनाना है. मैं आपको टेम्पलेट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ. गार्डन आंटी, ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ. देख रहे हो, हाउ टू ग्रो सिमिलर टाइटल. अगर मैं इनके दो टेम्पलेट्स, दो पोस्ट्स आपको मैं खोल के दिखाता हूँ. इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ दे हैव क्रिएटेड देयर ओन टेम्पलेट. अब इन्होंने क्या किया, अपना CSV में ऐसी शीट में कंटेंट बनाया, वेन टू प्लान, इनमें ये हेडर्स मॉडिफायर्स को यूज़ किया, और वैसे ही AWP यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने भी कीवर्ड्स के लिए. ठीक है, और ड्रैग ड्रॉप करके CSV से यहाँ पे आप अपना कीवर्ड्स को रिप्लेस कर करके इन्होंने इस टाइप से क्रिएटिव टेम्पलेट बना लिया. ठीक है, एंड योर रैंकिंग गुड. इस टाइप से आपको अपना एक क्रिएटिव सा टेम्पलेट बनाना है जिसमें आपको CSV से सारा डेटा यूज़ करना है और बल्क में आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा जैसे फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाता हूँ. यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर टू, आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. सिंपल बेसिक ग्रोथ लेवल है आपके. जितने ज़्यादा यूनिक पेजेस होंगे और सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा होगा, मल्टीप्लाई बाय CTR इज इक्वल टू कन्वर्जन रेट. दैट मीन्स ट्रैफिक टू योर वेबसाइट. एंड मोर ट्रैफिक मीन्स मोर रिवेन्यू, मीन्स मोर एड्स, मोर एवरीथिंग. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यूनिक पेजेस चाहिए बल्क में, जो कि आप प्रोग्रामेटिक SEO के थ्रू बना सकते हो. और जो यूनिक पेजेस हैं वो क्वालिटी के होने चाहिए. तो उस क्वालिटी के लिए आपको क्रिएटिव थोड़े सा अपना माइंड यूज़ करना है, और इस टाइप से एक डायनेमिक टेम्पलेटिक कंटेंट आपको बनाना है, और यू आर गुड टू गो. तो बेनिफिट्स क्या हैं प्रोग्रामेटिक SEO के? आप ऐसे बल्क में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे डॉग फूड हैवन एक वेबसाइट है, ये भी डॉग फूड निश में. अब इन्होंने हर ब्रीड के लिए यहाँ पे देखो ऐसे बना रखा है ना. तो इससे क्या हुआ, इन्होंने
स्टार्टिंग में सारे जैसे हमें हमारे पास 100 ब्रीड्स का भी डेटा जो सॉर्ट होके आया जिनकी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो हमने सबको पोस्ट को डाल दिया। तो अब क्या होगा जब हमारी ये पोस्ट इंडेक्स होंगी सर्च कंसोल में, तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिलेगा कि कौन सी ब्रीड, पर्टिकुलर ब्रीड या कौन सा पर्टिकुलर पेज हमारी वेबसाइट का रैंक हो रहा है, टॉप 20, टॉप 30 में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसकी ऑफ पेज कर सकते हैं और वहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में कॉम्पिटिशन कम है, तो उसके हम और सब टर्म्स निकाल सकते हैं जैसे बेस्ट शैम्पू फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रीड। ठीक है, जब भी आप कीवर्ड ऐसे सर्च करने की कोशिश करो तो मेक श्योर कि जो आप ये मॉडिफायर आप डेटा सेट वाला यूज़ कर रहे हो, इस वाले पार्ट में पॉपुलर उस निश का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर डॉग ब्रीड में जाने तो जर्मन शेफर्ड इज़ पॉपुलर देन डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस्ट डॉग फूड को अगर हम यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बेस्ट ब्रश, टॉयज, हार्नेस, डाइट, कलर, फूड, डॉग ब्रश, टॉयज़। ठीक है, तो जो बल्क कीवर्ड वाला मैंने आपको बताया वो यही था कि अगर वहाँ से हमें पता लगा पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में कॉम्पिटिशन कम है। कॉम्पिटिशन कम क्यों है? क्योंकि हमारी डायनेमिक टेम्पलेटिक कंटेंट अगर हमारा रैंक हो रहा है तो मतलब कॉम्पिटिशन कम ही है वहाँ पर। तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि ये दिस पर्टिकुलर ब्रीड हैज़ लो वॉल्यूम, लो कॉम्पिटिशन, तो हम उसके और भी कीवर्ड्स के साथ वर्क कर सकते हैं। ईजिली स्केलेबल है, सिमिलर जैसे अभी हमने डॉग फूड का बनाया वैसे हम और टर्म्स का बना सकते हैं। बेटर सर्च विजिबिलिटी मिलती है हमें प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू, एंड इट रिक्वायर्स वेरी लेस एफर्ट्स, और इसमें आपको ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा रिवेन्यू मिल सकते हैं। और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, गार्डन आंटी एक एग्जांपल हो गया। और भी हर निश में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे अभी वाइस ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया प्रोग्रामेटिक एसईओ का। ये स्विफ्ट BIC कॉड्स देख रहे हो, इन्होंने पूरा एक डेटा सेट बनाया हुआ है यहाँ पे ना, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। देख रहे हो BIC स्विफ्ट कोड फॉर एनी बैंक, यहाँ पे उन्होंने इसको नेम दिया। बट wise.com इज रैंकिंग ऑन टॉप। अब यहाँ पे हमारा हेड टर्म क्या है, स्विफ्ट कोड फॉर एक्सिस बैंक एंड सिटी नेम। तो इसमें कितने सारे डेटा सेट हमारे पास हैं, नेम ऑफ बैंक्स, सिटीज़ ऑफ इंडिया, तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ पेजेस अंडर दिस। सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड दिस डायरेक्टरी वेबसाइट यूजिंग दिस सेम मेथड। आई हैव स्क्रिप्ट ऑल द लिस्टिंग्स फ्रॉम गूगल माई बिजनेस एंड क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स। यू कैन इधर स्क्रैप द डेटा, यू कैन बाय द डेटा, और यू कैन लाइक गेट द डेटा फ्रॉम एनीवेयर। वन मोर थिंग यू कैन डू टू गेट द डेटा इज जस्ट यूजिंग द गूगल डॉक, जस्ट गो टू डॉक्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश स्प्रेडशीट्स विद साइड कॉलन एंड डॉक ब्रीड्स। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी पब्लिक गूगल शीट्स मिल जाएंगी जिनको देख के आपको और आइडियाज मिल सकते हैं कि आप किस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हो। बिकॉज डेटा जब आपके पास होगा ना, तो आपके आपको खुद ही माइंड ओपन होगा कि हाँ हम इसमें ये वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं, वो वाली भी बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक बार स्टार्ट करना होगा। सब कुछ फ्री है, WP ऑल इम्पोर्ट इज़ फ्री, डेटा इज़ फ्री, योर माइंड इज़ फ्री, क्रिएटिविटी इज़ फ्री,
यू जस्ट हैव टू टेक द एक्शन। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ प्रोग्रामेटिक एसईओ में। जब भी हम प्रोग्रामेटिक एसईओ में कोई भी आप ब्लॉग बनाओ, उसमें आप मेक श्योर कि आप ना दो डोमेन्स के साथ स्टार्ट करो। जो फर्स्ट डोमेन आपका होगा ना, उस पर आप ट्राई करना कि आप उसमें ना गूगल यूज़ अप्रूव करवा लो। उससे ये होगा कि आप बल्क में पेजेस बनाओगे, फास्ट इंडेक्स होंगे और आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि सर्च कंसोल के बेस पे कि उस पर्टिकुलर जो आपने निश वैलिडेट किया है या निश फाइंड किया है उसमें आपको इंप्रेशंस भी आ रहे हैं या नहीं। अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं इट मीन्स या यू हैव फाइंड अ गुड निश, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव वेज यूज़ करो इंटरनल लिंक करने के। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, वर्डप्रेस में आप जो ऑथर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ऑथर्स भी आप डायनेमिक बनाओ। अपनी सीएसवी शीट में रैंडम 10-12 नेम्स डाल दो और उन नेम्स को ऑथर बना दो और अपनी पोस्ट से उसको लिंक कर दो। डब्ल्यू पी ऑल इम्पोर्ट में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। कैट सेम थिंग आप यूज़ करो कैटेगरी के लिए एंड टैग्स के लिए। इससे क्या होगा कि हर पोस्ट जब आपकी बनेगी उसके साथ ऑथर और टैग और कैटेगरी भी अटैच हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको इंटरनल लिंक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो और भी आप क्रिएटिव वेज यूज़ कर सकते हो, ढूंढ सकते हो अपने माइंड से इंटरनल लिंक करने के लिए। ये तीन मैं यूज़ करता हूँ, ऑथर, टैग्स और कैटेगरी को मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ टू मेक श्योर फॉर इंटरनल लिंकिंग। जो आपका टेम्पलेट कंटेंट है वो मेक श्योर करो कि काफ़ी अच्छा बनाओ और उसके लिए आप जो ये पीपल ऑल्सो सर्च आता है ना, यहाँ से आइडिया लो। वट फूड शुड जर्मन शेफर्ड ईट, वट फूड शुड अदर ब्रीड ईट, इस टाइप के। तो यहाँ से आप आइडिया लेके ना हर ब्रीड का, हर जो आपका टेम्पलेट कंटेंट है वो आप अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो एंड ट्राई कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स आप उस पर्टिकुलर निश के कवर कर रहे हो। उसके बाद HTML को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो। HTML मतलब टेबल्स आप उसमें यूज़ करो, बोल्ड टैग यूज़ करो। इससे क्या होगा कि फीचर स्निपेट में आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स, LI टैग्स जो होते हैं उनको यूज़ करो, H2, H3, H4 सब यूज़ करो, ठीक है। और उसके बाद अपने सर्च कंसोल को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रैक करोगे कितने इंप्रेशंस आपके पास आ रहे हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स आपके ऐड हो रहे हैं। और उसमें आप जैसे आप ये डालोगे ना बेस्ट डॉग एग्जांपल के साथ अगर हम चल रहे हैं, अगर आप उसमें डालोगे ना बेस्ट फूड फॉर डॉग ब्रीड्स वाला जो हमारा है, तो उसमें आप देखोगे आपके ना और भी किसी और कीवर्ड से भी आपके पास इंप्रेशंस आ रहे होंगे। तो अगर वो जो कीवर्ड है अगर अच्छा है, वर्थ है, तो आप उसके लिए अलग और टेम्पलेटी कंटेंट्स बना सकते हो और पेजेस आप बल्क में बना सकते हो, ठीक है। वो तभी आपको मिलेंगे जब आप सर्च कंसोल यूज़ करोगे। उसके बाद Ahrefs का भी फ्री वे मास्टर टूल आता है, मेक श्योर कि आप उसको भी इंस्टॉल करो और उसमें फ्रीक्वेंसी को सेट करो डेली क्रॉल पे। इससे यह होगा कि आपकी जो इंडेक्सिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आपको एक फ्री रैंक ट्रैकर भी मिल जाएगा और कीवर्ड्स ट्रैकर भी मिल जाएगा जो आपके डेली बेसिस पे कीवर्ड्स चेक करेगा कितने कीवर्ड्स आपके आ रहे हैं। और आपको पता लगता रहेगा कि उन पर्टिकुलर कीवर्ड के क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद गूगल इंडेक्सिंग API को यूज़ करने की कोशिश करो। रैंक मैथ का फ्री आता है, आप फ्री गूगल सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा ये वाला। इसको इंस्टॉल कर लो, इससे भी आपकी इंडेक्सिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा इंडेक्सिंग उतनी अच्छी रैंकिंग, उतना अच्छा ट्रैफिक, उतना ज़्यादा पैसा। उसके बाद अर्न गेट आइडिया विद नो कोड एक्सपेरिमेंट डन, थैंक यू। उसके बाद आपके और भी कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन कमेंट एंड कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक। दिस इज़ माई हैंडल फॉर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। एंड आई ऑल्सो रन अ ग्रुप Automate and Chill. Make sure to join this group. Here I share a lot of things about auto blogging, and I have also created a new group, Programmatic SEO Bloggers. This group is dedicated to programmatic SEO only. यहाँ पे programmatic SEO related things मैं काफ़ी share करता रहता हूँ। बाकी thanks for joining. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.